कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा कृषि विभाग के सभागार में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों के किसानों एटीएम तथा बीटीएम ने भाग लिया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा कृषि विभाग के सभागार में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों के किसानों एटीएम तथा बीटीएम ने भाग लिया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कुलदीप वर्मा ने बताया कि प्रकृति का दोहन इस स्तर पर पहुंच चुका है कि मनुष्य के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने सभागार में कृषकों से आम जनता को जहर मुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया और कहा कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण किसानों की हर संभव सहायता एवं मार्गदर्शन करने के लिए हर समय तत्पर है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में लागत न्यूनतम होती है, साथ ही अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता, रोग कीट बीमारियों में कमी, स्वास्थ्य पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग में कमी, प्राकृतिक संकट में भी अच्छी फसल होना एवं कर्ज मुक्त खेती की जाती है। इस मौके पर परियोजना निदेशक सोनिका तथा सुरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं किसान उपस्थित थे। आज प्रकृति का दोहन इस स्तर पर पहुंच चुका है कि मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। जमीन, वायु, पानी आदि हर प्रकार की प्राकृतिक कृति में प्रदूषण व्याप्त है। इसी संदर्भ में आज प्राकृतिक खेती कर रहे कृषकों को 6 के 6 ब्लॉक विकास खंडों से बुलाया गया था, ताकि आम जनता को इसका प्राकृतिक खेती के उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सके कि न्यूनतम लागत, अधिक उपज, हाई गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता, रोग कीटों की कमी, स्वस्थ पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग को काम करना, प्राकृतिक संकट में भी फसलों का अच्छा उत्पादन देना, कर्ज मुक्त किसान, ये सभी बातें हमें प्राकृतिक खेती में मिलती हैं।